डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट में हम लोगों ने एक फिज़िक्स के चैप्टर को शुरू किया है। ये फिज़िक्स के एनसीईआरटी के 11 नंबर चैप्टर है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये हम लोगों का चैप्टर है। हालांकि दोस्तों, हम लोगों ने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा कि मानव नेत्र का व्यास कितना होता है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, और किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं तो मेरे ब्रेन तक किसकी सहायता से वो नोटिस या फिर वो मैसेज जाता है कि आप जो वस्तु को देख रहे हैं वह एक थाली है, लोटा है, या ग्लास है, या टेबल है, आप उसको समझ पा लेते हैं। तो मानव नेत्र में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए आगे के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है समंजन क्षमता। क्या नाम है इसका? समंजन क्षमता के बारे में। तो अब हम लोग नया टॉपिक्स देंगे, समंजन क्षमता। सबसे पहले फर्स्ट एरो लिखा जाए, समंजन क्षमता के नीचे एरो देकर लिखेंगे, लिखा जाए अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस ब्रैकेट में कर लीजिएगा, उत्तर लेंस, उत्तर लेंस, रिश्तेदार, रिश्तेदार, जलीय पदार्थ का बना होता है, रिश्तेदार, जलीय, रिश्तेदार, जलीय पदार्थ का बना होता है। याद रखिएगा कि हमारे आँख में, हमारे नेत्र में एक गॉड गिफ्टेड उत्तर लेंस लगा हुआ है, जो किसका बना होता है तो देख पा रहे, रेसेदार जेली पदार्थ का बना होता है, यानी लेंस का आप समझ पा रहे होंगे कि शीशा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं, लेंस का मतलब ही होता है शीशा। लेकिन हमारे आँख में जो लेंस लगा हुआ रहता है, जो शीशा लगा रहता है, वो रियली कांच नहीं है, शीशा नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ है। इसलिए ये जो उत्तर लेंस है, जो आँख में लगा रहता है, ये हम लोगों को एक जेलीय पदार्थ का बना हुआ रहता है, यानी कि एक द्रव लिक्विड का बना हुआ रहता है, बिल्कुल रेशेदार के फॉर्म में। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, हमारे आँख में कोई शीशा नहीं है, हमारे आँख में जेल से बना हुआ, जेलीय पदार्थ का द्रव से बना हुआ उत्तर लेंस है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एरो दिया जाए, लिखा जाए अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है, इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जी हाँ, आपको हम बताए होंगे कि R बराबर होता है रिलेशन 2F, जब हम लोग इसके पिछले वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, तो R का मतलब होता है दोस्तों वक्रता त्रिज्या, और F मतलब फोकस दूरी। आप देख पा रहे होंगे, अगर त्रिज्या अगर बढ़ेगा तो फोकस भी बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा फोकस भी घटेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर वक्रता त्रिज्या, हमारे आँख में जो लेंस लगा रहता है उसको उत्तर लेंस भी कहते हैं, अभिनेत्र लेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नेत्र मतलब आँख, तो अभिनेत्र लेंस का मतलब हुआ आँख का लेंस। तो अभिनेत्र लेंस जो लगा हुआ रहता है उसकी वक्रता त्रिज्या को आप चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो फोकस दूरी भी
जाहिर सी बात है परिवर्तित होगा, बदलेगा। तो याद रखिएगा कि जब आर का मान बदलता है तो फोकस का मान भी बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे समंजन क्षमता के नीचे। नेक्स्ट एरो लिखा जाए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को, वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। बताते हैं समायोजित क्या है। समायोजित कर लेता है उसे, उसे समंजन क्षमता कहते हैं, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। देख लो भाई, जैसा कि आप जानते हैं हमारे नेत्र में गॉड गिफ्टेड उत्तल लेंस है, और उस उत्तल लेंस का खासियत यह है कि अपने आप फोकस दूरी को फिक्स कर लेता है। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि दूर की वस्तु को देखने के लिए आप ध्यान से आपको देखना पड़ता है, और नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए आपको क्लियर नज़र आता है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी जैसे धूप में आप सूरज को देखने का कोशिश कीजिए तो बिल्कुल चमकीला होता है, इसलिए आपको आँखों पर चमक पड़ती है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई सा भी लेंस हो, वो अपने फोकस दूरी को खुद ऑटोमेटिक अगर समायोजित कर लेता है तब हम उसकी वह क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, यानी कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने आप ही फोकस दूरी को फिक्स कर लेता है। समायोजित का मतलब फिक्स कर लेना कि आखिर फोकस कहाँ है, ठीक है। इसलिए तो हम लोग आराम से एक सेकंड के हजारवें हिस्सा में कई किलोमीटर दूर वस्तु को देख पाते होंगे, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप सूरज को देख पा लेते हैं, चंद्रमा को देख पा लेते हैं, है ना। तो इन सारे दूर की वस्तुओं को देख पा लेते होंगे वो, क्यों? क्योंकि फोकस दूरी ऑटोमेटिक फिक्स होते रहती है। तो इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे किताब में छपे छोटे अक्षरों को, किताब में छपे छोटे अक्षरों को आंख के अत्यंत निकट रखने पर, आंख के अत्यंत निकट रखने पर छपे अक्षर धुंधला दिखाई पड़ते हैं, छपे अक्षर धुंधला दिखाई पड़ते हैं पूर्ण विराम, अतः किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए, सुस्पष्ट देखने के लिए अपने नेत्र से, अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी, 25 सेंटीमीटर की दूरी आवश्यक है, कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी आवश्यक है। चलिए अब जो हम लोग लिखे हैं
क्या लिखे हैं जरा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अभी हम लोग लिखे हैं, आप अक्सर ये प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। जो किताब में छोटा छोटा छपा अक्षर है उसको बिल्कुल आप आँख के नज़दीक ले जाकर देखिए, आपको आप नहीं पढ़ पाइएगा आँख के बिल्कुल। जैसे मान लिया यहाँ नेत्र है, इसके नज़दीक आप किताब बुक को ले जाइए और उसमें छपा जो अक्षर है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको धुंधला दिखाई पड़ता है। यानी कि जब हम किसी बुक को में छपे अक्षर को आँख के बिल्कुल नज़दीक ले जाते हैं तो हम लोगों को धुंधला दिखाई देता है, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम आँख से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखेंगे तभी वो हमें क्लियर कट नज़र आएगा। 25 सेंटीमीटर से जैसे ही कम हुआ, 24, 23, 20, 18, 17, 9 सेंटीमीटर, आप नहीं पढ़ पाइएगा उन अक्षरों को जो किताब में छपा हुआ है। तो इसलिए बिल्कुल याद रखिएगा कि हम लोग किताब में छपे अक्षरों को अगर अत्यंत आँख के निकट ले जाते हैं, बहुत अत्यंत का मतलब काफ़ी निकट, काफ़ी निकट, तो हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए बोला गया कि निकटतम दूरी कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर कम से कम दूरी होना चाहिए तब किसी भी वस्तु को आप सुस्पष्ट, सुस्पष्ट का मतलब होता है साफ साफ देख सकते हैं। कब? जब आप कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तब, अन्यथा 25 सेंटीमीटर से कम हुआ आपको धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो बिल्कुल आप एकदम, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का न्यूनतम दूरी क्या है जिसे वह सुस्पष्ट देख सकता है, वो है 25 सेंटीमीटर। आप 25 सेंटीमीटर के पार रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 26 पे दिखेगा अच्छा, 27, 28 सेंटीमीटर आँख से, जहाँ आपका आँख है वहाँ से 25 सेंटीमीटर का बात किया जा रहा है, 25 सेंटीमीटर, 26, 30, 35, 38, 40 आगे आपको दिखेगा लेकिन 25 से पीछे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अत्यंत निकट ले जाने पर हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि धुंधला दिखाई पड़ता है। इसलिए याद रखिएगा कि आँख से कम कितना सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए, 25। याद रखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट एरो। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु, जिस पर रखी कोई वस्तु फिर से मिलाइएगा, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी कठिनाई के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे उसे सुस्पष्ट दर्शन की उसे सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। चलिए, तो याद रखिएगा कि
कि सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को तो हम लोग समझें कि सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ें कि वह न्यूनतम दूरी, वह सबसे कम दूरी जिस पर हम लोग किसी भी वस्तु को बिल्कुल फ्रेश, बिना किसी कारण के, बिना किसी कठिनाई के उसको सुस्पष्ट देखा जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी, ठीक है। या फिर अल्पतम दूरी भी बोला जा सकता है। अल्पतम का मतलब है बहुत नज़दीक, न्यूनतम का भी मतलब बहुत नज़दीक, कम से कम, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग समंजन क्षमता में 2-4-5 पॉइंट्स को पढ़े हैं। अभी समंजन क्षमता में अभी हम लोग पढ़े हैं कि सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो आखिर अधिक कितना तक देख सकते हैं। अधिकतम दूरी भी अगले दिन पढ़ेंगे, यानी और समंजन क्षमता में कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है, उसको हम अगले दिन डिस्कस करेंगे, अगले दिन समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।